वीएसएससीटी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी के पावन दिन कन्या पूजन को विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव श्री विजय शर्मा जी ने गरीब बच्चों के साथ मनाया। उन्हें हलवा, पूड़ी व टॉफी इत्यादि और बच्चों को पॉकेट मनी भी दी। इसी के साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बच्चों के परिवार वालों को जागरूक भी किया, जिससे वे इस संकट से अपने परिवार जनों को सुरक्षित रख सके। कोरोना महामारी के लिए शांति सेवा धाम ठाकुर प्रियकांजू मंदिर के सभी पुजारियों ने विश्व सुरक्षा के लिए 11 दिन का यज्ञ किया संपूर्ण। जी हां, विश्व पर आए कोरोना संकट के लिए ठाकुर प्रियकांजू मंदिर में पिछले 11 दिनों से लगातार यज्ञ किया जा रहा था, जिसे संपूर्ण किया गया। कोरोना वायरस के चलते इस बार का पूर्णिमा महोत्सव आप सभी घर बैठे मनाएं। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसके चलते ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि शांति सेवा धाम ठाकुर प्रियकांजू मंदिर में हर बार की तरह इस बार भव्य पूर्णिमा महोत्सव नहीं रखा जाएगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से गुजारिश है कि अपने अपने घर से ही पूर्णिमा कीर्तन करें एवं ठाकुर प्रियकांजू जी से प्रार्थना करें कि वे जल्द ही पूरे देश सहित विश्व को इस संकट से मुक्ति मिल जाए। देखिए 11 साल बाद भव्य श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण आस्था चैनल पर। कोरोना वायरस के चलते जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी कथाएं स्थगित कर दी गई हैं, जिसके चलते संस्था ने ये फैसला किया है कि 11 साल बाद यानी 2009 में कटक ओडिशा में हुई पूज्य ठाकुर जी महाराज के मुखारविंद से विशाल श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण अब 7 से 14 अप्रैल शाम 4 से 7 बजे तक आस्था चैनल पर दिखाया जाएगा।